बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे गुज्जर कौम की एक जाली शाख या गोत जिसको चेची कहा जाता है। इसके बारे में तारीख में दो मुतजाद राय पाई जाती हैं। मैं आपके सामने दोनों राय एक एक करके पेश करूंगा। आप कमेंट सेशन में मुझे जरूर बताइएगा कि इनमें से कौन सी राय ठीक है। गुज्जर कौम के सैकड़ों जाली कबाइल में से एक मशहूर और बड़ा कबीला चेची है। हिंदुस्तान में कबल अज मसीह में लिखी गई मजहबी कुतब और पुरानों में चेची खानदान का कसरत से तज़किरा किया गया है। नहायत कदीम जमाना में चेची गुजरों की ज्यारतगाह पश्कर महात्मी को गुजरों में वही रुतबा हासिल था जो ईसाइयों में यरूशलेम को था, और चेची खानदान का एजाज खस्त्री गुजरों में वही है जो ईसाइयों के नजदीक आले इमरान को है। गुजरों में मजहबी, रूहानी और कौमी लिहाज से चेची खानदान मुतबरक समझा जाता है। चेचियों ने बड़ी बड़ी इबादत गाहें बनवाई, जिन्हें मजहब के अव्वल बानी मियानी भी चेची थे। चेची गुजर ना सिर्फ आलम थे बल्कि तलवार के भी धनी थे। यशकर खस्तर में चेची राजा करण की हुकूमत थी। चेचियों की सल्तनत बहुत वसी थी जिन पर वो मुद्दतों हुकूमत करते रहे। जब हिंदुस्तान इस्लाम की किरणों से मुनव्वर हुआ तो बहुत सारे चेची खानदान सूफियाए कराम की तबलीग से मुशर्रफ व इस्लाम हो गए। आज जनूबी एशिया के ममालक में मुख्तलिफ मजहब से तल्लक रखने वाले लाखों चेची खानदान मौजूद हैं। इनकी ज्यादातर आबादियां भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के मरकजी इलाका, पाकिस्तान के सूबा पंजाब और सरहद और मकबूजा कश्मीर और आजाद कश्मीर में हैं। अब तारीख में पाए जाने वाली चेची कौम के बारे में दूसरी राय के मुतलक बात करते हैं। चेची कौम सूरज बंसी चौहान है और उनका नस्बी ताल्लुक राजा जगदेव से है। राजा जगदेव ही की औलाद में से एक शख्स का नाम राजा चेची था और यही इस खानदान का मोर्चे आला गुजरा है। राजा चेची की औलाद में से किसी शख्स ने सुल्तान महमूद गजनवी की फौज में शिरकत की और मुसलमान हो गया। इस मुसलमान चेची की औलाद बाद में पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद हो गई। गुजरात में इनके नाम पर एक मौजा चेची मशहूर है। माजी में इस कौम का एक सरदार लखन खान जुआ मर्द और मशहूर गुजरा है जो अपने इलाके का चौधरी और वडेरा भी। इस लखन खान के 11 बेटे थे जो पंजाब और सरहद के इलाकों में आबाद हो गए। चेची खानदान की एक शाख डांगी चेची हिंदुस्तान में अंबाला के करीब भी आबाद है जो इन्हीं लोगों के भाई बंद है। चेची चूंकि नस्ल के इतबार से चौहान है लिहाजा माजी में इस खानदान के अपने भाई बहन चौहानों से रिश्ते नाते भी रहे हैं। इस खानदान ने माजी में कई नामूर लोग पैदा किए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आसानी से आपको दस्तयाब हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।